इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीकॉम। दोस्तों मेरे साथ हैं एशियन टेलीकॉम के स्टूडेंट। ये मेरा 28 जनवरी का बैच और ये अलग अलग जगह से सब लोग बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं और यहाँ पर हम लोग को दो हफ्ते करीबन हमारे यहाँ हो चुके हैं। लगभग हमारा हार्डवेयर बिल्कुल एंडिंग पर है, तो चलिए इनसे मिलते हैं और पूछते हैं इनके कि क्या इनका रहा एक्सपीरियंस एक एक करके। तो जाइए, तो हमारे साथ में है एक और शख्स राजेश गुप्ता। यहाँ पर आप सभी को बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी टेडी बियर डे और माँ सरस्वती आप सभी की कृपा बनाए रखें। और आज हम मैं आपको बता दूँ, आज हम लाइव नहीं आए क्योंकि पिछली बार हम लोग लाइव आए थे तो लाइव हमारा पूरा इंटरप्ट हो गया था और हम लोग अच्छे से बना नहीं पाए थे। तो सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नयन कुमार हल्लर, लवकुश नगर, एमपी से। तो नयन जी, आप यहाँ पे आए, इतनी दूर आए, कई सारे इंस्टीट्यूट भी छोड़कर आए। जी सर, वहाँ पे इंस्टीट्यूट में प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया जाता है, वो सिर पे हार्डवेयर कराते हैं, बेसिक नॉलेज नहीं देते हैं बच्चों को। और यहाँ पे अच्छा मतलब बेसिक नॉलेज देके और छोड़ देते हैं, है ना? एडवांस चीजें बताते ही नहीं देते सर, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरह इसके रिपेयर करना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब। चलिए ठीक है, तो मतलब आपने जो सोचा था? जी सर, सोचा था मुझे उससे कई अधिक मिला है। चलिए ठीक, थैंक यू। तो आप हैं जालम रैकवार जी, कहाँ से हैं आप? मैं सिलवानी डिस्ट्रिक्ट रायसेन एमपी से हैं। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लगा सर। अच्छा, तो मतलब अभी आपको लग रहा है आप जाने के बाद प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे? सर बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, हम ज़्यादा आज नहीं पूछेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। ओके, थैंक यू। तो आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से, सांगली महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? केदार कुलकर्णी। केदार कुलकर्णी, तो केदार जी बताइए कैसा अनुभव रहा आपका? तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे को ये प्रॉब्लम होता था कि आईसी रीडिंग में ज्यादा दिक्कत आती थी, यहाँ पे आने के बाद वो पूरा मेरा सॉल्व हो गया। अच्छा, मतलब आईसी का काम अभी तक जो आप छोड़ देते थे वो आप काम नहीं छोड़ते थे? आईसी रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही। अच्छा, आईसी रीडिंग करने में प्रॉब्लम कौन सा है? और ये अच्छा मतलब आईसी की डिटेल? हाँ, डिटेलिंग। चलिए ठीक है, तो मतलब अभी आपको सेटिस्फाई? ओके, थैंक यू। ओके सर। तो क्या नाम है आपका? महाराष्ट्र से हो। तो यहाँ पे आने के बाद कैसा अनुभव रहा आपका? क्या कहना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के बारे में? यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। पहले मैं 2-3 महीने काम किया था, 6 महीना। अच्छा, 2-3 मतलब काम कर चुके हैं आप इससे पहले? अगर कुछ मालूम नहीं, पता नहीं था। अच्छा, मतलब काम करते थे लेकिन सब कुछ एक अनुमान ही था कंपोनेंट के बारे में। मतलब यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि आप पूरी जानकारी हो चुकी है आपको? हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद मेहता, मैं नेपाल से हूँ सर। विनोद मेहता नेपाल से हैं, आप इतनी दूर से आए हैं। हाँ सर। ना इंडिया में और कई सारे इंस्टीट्यूट थे इंडिया में लेकिन आपने एशिया टेलीकॉम को ही सिलेक्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं सीखा था जैसे यहाँ एशिया टेलीकॉम में सीखने को मिल रहा है सर। सर्किट का नॉलेज, वोल्टेज का नॉलेज, हर एक चीज यहाँ जितना सोच रहा है डिटेलिंग में कर देते हैं, डिटेलिंग में सीखने को मिल रहा है सर इधर। तो चलिए ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाई है इतनी दूर से आए? आपको लगता है आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए या फिर जो समय आपने दिया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो समय होता है? हाँ सर, जितना पैसा खर्च होता है हम अधिक सीख पाए हैं यहाँ पे सर। तो चलिए ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जाने के बाद प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अच्छा, रवि मेहता नेपाल से। तो ये बताइए कि आप यहाँ पे आए और जो आपने देखा, जो आपने सीखा, तो क्या आप सेटिस्फाई हैं उससे? हाँ सर, मैं सेटिस्फाई हैं। और क्या कहना चाहेंगे और इसके इंस्टीट्यूट के बारे में? जैसे अगर कोई नेपाल से आ रहे तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? वो जरूर आए सर, यहाँ पर बहुत अच्छा सिखाया जाता है, बहुत प्रैक्टिकल तरीका से सिखाया जाता है सर, बहुत अच्छा है सर। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी जाकर अच्छा काम करेंगे। ओके, थैंक यू। तो क्या नाम है आपका? जितेंद्र मेहता। जितेंद्र मेहता, अच्छा तीनों लोग एक ही जगह से आए हैं, नेपाल से ही तीनों लोग हैं? तीन आदमी आए थे। तो जहाँ पर भी जाइएगा आप लोग, उससे अच्छा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, जो प्रैक्टिकल थ्योरी है उससे ज़्यादा बहुत बढ़िया पढ़ाता है। अच्छा, मतलब आप यहाँ सेटिस्फाई है अभी जो इतना दूर से आए हैं, तो आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं जो आपको बताया गया, जो पढ़ाया गया? वो तो हो चुके हैं बिल्कुल, मतलब संतुष्ट हैं आप? हाँ। ओके, थैंक यू।
क्या नाम है आपका? दीनबंधु बघेल, मैं डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी एमपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, एमपी से है। तो दीनबंधु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे आए हैं और आपने अभी 10 दिन के करीब क्लास भी अटेंड की। यस सर, तो पहले से काम कर रहा था। अच्छा, लेकिन मैं अच्छा से काम नहीं कर पाता था, मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, तो मैंने यहाँ पे आने का निश्चय किया और मैं जिस उद्देश्य से लेके आया था उससे और कहीं अच्छा काम कर पाऊंगा मैं यहाँ। हाँ, वही होता है कि आप काम तो करते हैं लेकिन सब कुछ एक अनुमानित होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है ना, कई बार कस्टमर को लौटाना भी पड़ता है। कई बार कई साइट और यूट्यूब से देख के सीखे लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो पाए। हाँ, यूट्यूब से देखने में कई बार मोबाइल खराब भी हो जाती है, बंद भी जाती है, कोई फिक्स नहीं होता। तो चलिए ठीक है, तो मतलब आप सेटिस्फाई हुए? ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? टिंकू कुमार राम, आसनसोल वेस्ट बंगाल। सॉरी, टिंकू कुमार राम, आसनसोल वेस्ट बंगाल। अच्छा, टिंकू कुमार राम है, ये आसाम से हैं? आसनसोल सर, वेस्ट बंगाल। अच्छा, आसनसोल वेस्ट बंगाल से हैं। तो टिंकू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा? सर, पहले मैं रिपेयरिंग करता था और बहुत ज़्यादा जब फंस जाता था तो लगता था कि मैं जीरो हूँ इस रिपेयरिंग में, बट यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सीख करके मैं हीरो हो जाऊँगा इसमें। आप मास्टर है? हाँ, मास्टर है। चलिए ठीक है, तो मतलब आपने आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया सर कि अच्छा काम मैं कर सकूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू टिंकू। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार सर, बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार से हैं। तो ऋषु जी, क्या अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर कीजिए, एशिया टेलीकॉम में आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर यहाँ आके, मैं बहुत बहुत ज़्यादा सीख चुका हूँ और आगे भी बहुत ज़्यादा सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो आपको अभी 10 दिन हुए हैं करीब क्लास अटेंड किए हुए, तो अभी आप जैसे 10 दिन में जो आपने सीखा, तो आपको क्या लगता है कि जितना अभी आप काम करते हैं तो आप कितने परसेंट सीखे और कितना परसेंट अब आप काम कर सकते हो? बहुत ज़्यादा सीख गए सर, बहुत पहले से बेटर, पहले से काफ़ी बहुत। चले ठीक है, तो मतलब आप सेटिस्फाई हैं? जी सर, बहुत सेटिस्फाई। थैंक यू। जितना पैसे लगा उतना हो गया, निकल गया, उससे ज़्यादा आपका निकल गया सर। और चलिए ठीक, थैंक यू। तो क्या नाम है आपका? शंकर थापा। शंकर थापा, कहाँ से हो आप? नेपाल से। नेपाल से हैं, तो चलिए आप भी नेपाल से हो। तो शंकर जी, आपने आप इतनी दूर आए और इंडिया में बहुत सारी इंस्टीट्यूट थी पर आपने एशिया टेलीकॉम को ही आपने चुना। जी सर। तो अभी कैसा लगा, आपने चुना और आपने सीखा भी 10 दिन, तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपने जो सीखा, जो उम्मीद लेके आए थे, वो पूरी हुई या नहीं हुई? है सर, बहुत अच्छा उम्मीद मिला है। वही तो हम ड्रेसेस को कुछ मालूम नहीं था, अभी ड्रेसेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत है सर। अच्छा, मतलब कंपोनेंट्स की पूरी डिटेल आपको मालूम हो गई, सप्लाइयों का नॉलेज हो गया? जी सर। चलिए ठीक है शंकर जी, उम्मीद करते हैं आप काम अच्छा काम करेंगे जाकर। ओके, थैंक यू। कोई नहीं। आसिफ शाह है आपका? आसिफ शाह। आसिफ शाह कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो आसिफ जी, क्या बोलना चाहेंगे आप, यहाँ कैसा अनुभव रहा? कुछ बहुत अच्छा अनुभव है सर, मेरे लिए एक्चुअली पूरी न्यू फील्ड थी ये, पर 10 दिन में इतना सीखने मिल गया कि अब तो लगता है कुछ ना कुछ तो लाइफ में आगे कर ही लेंगे इससे। और बस सबसे यही बोलना चाहूँगा कि आना है तो यहीं आना, नहीं तो कहीं मत आना। अच्छा, चलिए, नहीं ज़रूरी नहीं आप यहाँ कहीं भी आप जाओ, पर काम जहाँ पर आपको लगे कि हाँ सामने वाला मुझे परफेक्ट बना सकता है, आप वहाँ जा सकते हैं। हाँ, पर मुझे तो यहीं आके परफेक्ट हो, नंबर वन के पास आके नंबर वन बनेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू आसिफ जी कि आप यहाँ पे आए और आप सेटिस्फाई हुए। हाँ सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, मेरा जी। तो क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, बैठे बैठे ही कर लो। क्या नाम क्या नाम है आपका? मनजीत अलावर। मनजीत, कहाँ से आए हैं? रोहतक, हरियाणा से। रोहतक से। सो मनजीत जी, आप यहाँ जबलपुर आए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सब बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब जो मैं उम्मीद लेकर आया था सर, उससे ज़्यादा इसी में वो मिला। अच्छा मिला। तो अभी आप जाके काम करने वाले हो? जी सर। तो आपको क्या लगता है कि आप कितना परसेंट काम पहले करते थे और कितना आप कर सकते हो? पहले 0% था, क्योंकि इससे पहले मैंने कहीं भी नहीं सीखा था, फर्स्ट टाइम है सर। अच्छा, काम करते थे लेकिन सब कुछ करते नहीं थे सर। अच्छा, करते नहीं थे सर, अभी स्टार्टिंग है और लगभग सर जहाँ तक मेरा वो 70-75% मोबाइल का काम मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये है कि आपने जो सीखा तो आपको लगता है कि नहीं अब हम पूरी तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी तरह से जानकारी हो चुकी है। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। कहाँ से हैं आप? पंजाब से।
पंजाब से। तो इंद्रपाल जी, आप यहाँ पे सीखे तो आपको कैसा लगा? आप सर बहुत अच्छा लगा, जितना सोचा था उससे ज़्यादा सीखने को मिला है यहाँ पर। अच्छा, पहले भी मैं एक दो इंस्टीट्यूट पर गया था, बट वहाँ पर तो मतलब कि वेस्ट ऑफ मनी की है मैंने कोचिंग। अच्छा, आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जा चुके हैं? हाँ जी सर, जा चुका हूँ, दो इंस्टीट्यूट में जा चुका हूँ, दोनों में का। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे आए तो आपको कुछ तो यूनिक मिला होगा ना? हाँ सर, सब तो यूनिक मिला। तो मतलब आपको सबसे खास चीज़ यहाँ पे क्या लगी? सर यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका वो सबसे अलग, एक मिनट सर, सबसे दोबारा से बताएं, यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका वो सबसे अलग मिला सर, हर बात पर प्रैक्टिकल करके बताते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको व्हाइट बोर्ड में थ्योरी बता दिया गया? नहीं, नहीं, है ना, आपको अगर जो चीज़ बताया गया वो चीज़ हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं, बताते हैं, इवन की चार चार पाँच पाँच बारी प्रैक्टिकल करके बताते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके मुझे। चलिए, पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। चलिए ठीक है इंद्रपाल जी, थैंक यू। तो क्या नाम है आपका? शंकर बरुआ, असम से हूँ। सॉरी, शंकर बरुआ। शंकर बरुआ असम से। तो शंकर जी, आप इतनी दूर से आए हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, तो आपने जो क्लास ली है और जो सिखाया गया, आप उससे सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई है, 100% सेटिस्फाई है। चलिए ठीक है, थैंक यू शंकर जी। क्या नाम है आपका? विक्रम राय। सॉरी, विक्रम राय। विक्रम राय, कहाँ से आप? असम से। तो विक्रम जी, आप यहाँ इतनी दूर आए हैं, असम से आए और बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे लेकिन सबको छोड़ के आपने सिर्फ एशिया टेलीकॉम को चुना, तो आपने जो उम्मीद लेके आई थी, क्या वो उम्मीद आपकी पूरी हुई? सर, पूरा हुआ है। पूरा हुआ, सोचा था उससे ज़्यादा मिला। अच्छा, उससे ज़्यादा मिला। चलिए ठीक, थैंक यू। आप कहाँ से हैं? जी सर, हम मणिपुर से हैं, मेरा नाम दयानंद है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम लेमा पुप्पम दयानंदा सिंह है, हम मणिपुर से। अच्छा, तो लेमा पुप्पम दयानंदा जी, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो यहाँ पर जो सीखने आए थे वो आपको मिला? हाँ, बहुत मिला है, उससे भी ज़्यादा मिला है इधर। अगर आपके असम से कोई और स्टूडेंट आता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ ज़रूर आए और यहाँ सीखने में बहुत मिलता है। मतलब आपने जो सीखा 10 दिन में, आपको लगता है कि अब आप जाकर और प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे? प्रॉपर तरीके का काम कर सकेगा अभी जाकर, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। आज आप लोग कॉन्फिडेंस आ गया है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू दयानंदा जी। क्या नाम है आपका? मैं सुनील कुमार पटेल, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। अच्छा, जौनपुर से हैं। तो बताइए, आप यहाँ पे आए हैं एशिया टेलीकॉम को आपने सेलेक्ट किया, तो कैसा फील हो रहा है अभी आपसे? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, इससे पहले भी मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ के आ चुका हूँ। अच्छा, इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट? अच्छा, नहीं, नाम नहीं लीजिए आप, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी इंस्टीट्यूट का नाम हम अपने वीडियो में लें, है ना, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट अच्छे हैं। अब वो उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे? आपने वहाँ भी पढ़ा और यहाँ भी पढ़ा, तो आपको तो कुछ फील हुआ होगा ना? जी सर, वहाँ पे तो हम एक महीने में जो मतलब हमें जानकारी दी गई थी। अच्छा। यहाँ पे तो हमें 3 महीने में जितना वहाँ पे 1 महीने में जानकारी मिली थी, यहाँ पे 3 महीने में मिल गया। वहाँ पे हमें पूरी तरह से कंप्लेंट की भी जानकारी नहीं मिली थी, यहाँ मुझे 3 महीने में मिल चुका है। और अच्छा, कहाँ से आप? मैं तमिलनाडु वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, तमिलनाडु से हैं, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र, मेरे साथ दो आदमी है। अच्छा सुरेंद्र जी, और आपके साथ में ये दो लोग भी हैं। अच्छा, तो सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इतनी दूर से आए हैं तो कैसा फील हो रहा है? इसके पहले भी आप काम करते थे शायद? पहले काम करता था लेकिन काम नहीं किया, मतलब गलती से कर रहा पूरा। अभी इधर आने के बाद बहुत सिखाया, मन से बोल रहा हूँ इधर एक दिन आ जाओ, सब दिखाएगा आपको, एक बार आ जाओ। अच्छा, मतलब आप दिल से बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कहने पे आप बोल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कि हम चलो आपको कुछ दे रहे हैं? ट्रेसिंग का, सप्ले का सब नॉलेज होना चाहिए, ये कि एक बार आ जाओ सब पता हो जाएगा, आप बराबर मैकेनिक बन जाएगा। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, मतलब आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से? बहुत सेटिस्फाई। तो अभी आप जैसे वहाँ से अगर कोई आना चाहता है स्टूडेंट, तो आप उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो ये बोल रहा ना, सब लोग एक बार मतलब मैकेनिक बन के मन में मत सोचो, फिर एक बार आ जाए से सब पता हो जाएगा, क्या क्या करना, करा मत करना मोबाइल को, सही तरीके से पिक करके देना। हाँ, मतलब क्या होता है अभी जैसे लोग क्या करते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट से सीख के गए या फिर जो नए तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो कई बार मोबाइल खराब भी कर देते हैं क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं होती। तो आपको यहाँ प्रॉपर जानकारी मिली? प्रॉपर पक्का मिलेगा।
तो चलिए ठीक है। तो दोस्तों इनके साथ में दो लोग और हैं जो कि हिंदी नहीं बोल पाते, ये शायद आपको तमिल में बोल के बताएंगे। मैं तो नहीं समझ पाऊंगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये तमिल में बताएंगे आपको और ये कन्वर्ट करेंगे लैंग्वेज को। तो सुरेन जी, तो इनको अपना अनुभव शेयर करना है। ये 8 साल से पहले काम कर रहा था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये अपना अनुभव शेयर कर दें, तमिल भाषा में ही करें, कोई दिक्कत नहीं है, जो तमिल होंगे वो समझेंगे। हाँ ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे तो नहीं समझ में आई पर जो तमिल से होंगे उनको जरूर समझ में आएगी। तो जी हाँ, मिला ना आप लोगों को बहुत खुशी होगा बोला ऐसा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट एशिया टेलीकॉम? ओके, तमिल में ही आप बोलिए। எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரேன். என்னோட பேர் விஷ்ணுகுமார். யூடியூப்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களோட நாலேஜ் எந்த லெவலில் இருக்குது, அது எந்த லெவலில் போகும் அப்படின்றத பியூராக வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, அந்த லெவலில் வந்து உங்களோட பேஸ் நீங்கள் இருக்கிற பேஸ் வந்து உங்களை லிஃப்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறது தான் இந்த இன்ஸ்டியூட்டோட வேலை. தட் இஸ் தட்ஸ் ஆல். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். तो दोस्तों ये हो रहा है सबका खाना, आज संडे पार्टी और आज बसंत पंचमी भी है। किसका? तो तेजाराम जी को वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, दिस इज वेरी हैप्पी बर्थडे। और दोस्तों इनका आज बर्थडे भी है सर, आज तो इनका बर्थडे भी है। वेरी हैप्पी बर्थडे आपका। क्या कितने साल के हो गए आप? 28 साल के हो गए हैं भैया। आपने माँ बाप का नाम रोशन करना, ठीक है, और अपना नाम और अपने शहर का, कहाँ से आए आप? गढ़चिरौली महाराष्ट्र। सही बात, सबका विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बोल देंगे भाई। चलो इनका केक हम सेलिब्रेट करेंगे कल, कल अपने। और किसी को नहीं बढ़ी an ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.